हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कंचन कुमारी और आपका स्वागत है कंचन कुमारी किचन चैनल में। आज का रेसिपी लेकर आई हूँ आलू और भिंडी का भजिया कैसे बनाया जाता है, वो भी बहुत ही तरीके से और बहुत ही टेस्टी। तो चलिए हम दिखाते हैं। भिंडी को हम बीच से कट कर दिए हैं और इसका भजिया बहुत ही टेस्टी बनेगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए हम भिंडी और आलू का भजिया बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करती हूँ। कढ़ाई को गैस पर चढ़ा देंगे। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें हमें तेल डाल देना है। जीरा डाल देंगे। जीरा अच्छी तरह से पक गया है, इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। बारीक कटी हुई प्याज डाल देंगे। प्याज को हम थोड़े सहारे चलाते रहेंगे। प्याज और मिर्ची अच्छी तरह से पक गया है, इसमें हमें अब भिंडी और आलू को डाल देना है। और छोले सहारे चलाएंगे ताकि अंदर से जले ना। सब्जी को हमें ढकना नहीं है। इसमें हमें अब डाल देना है आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। और हल्दी को हम सब्जी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मिक्स मसाला डाल देना है। मिक्स मसाला को भजिया के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ढकना नहीं है, ढकने के बाद गीला हो जाता है। देखिए हमारा भिंडी और आलू का भजिया बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो कंचन कुमारी किचन चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यहाँ पर मैंने रोटी भी बना लिए हैं नाश्ता करने के लिए, रोटी भजिया।